हेलो आना वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू एस एस सी अभिनाम आचान राधिका गुप्ता आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बार जल्दी से बताएंगे सबको ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है सभी को राम राम भाई नमस्कार कैसे हैं आप सभी तो बढ़िया तरीके से आज के सुपर थर्टी सेशन को करते हैं शुरू जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कम्पलीट टॉप थर्टी क्वेश्चन को करने वाले हैं और रेपिड फायर सेशन रहेगा तो एक बार मुझे जल्दी जल्दी से बता देंगे सबको ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है एक क्वेश्चन छोटा सा होमवर्क में दिया था तो जरा देखते हैं कितने साथियों ने उसका आंसर सही दिया और एक्चुअली में क्या उसका करेक्ट आंसर पर हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल चलो तो जय श्री राम राधे राधे आपका होमवर्क क्वेश्चन मैंने कुछ इस प्रकार से दिया था था पूछा गया था कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है जब हम हाइड्रोजन बॉम्ब के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो ये यह यहाँ पर कौन सा देखा जाता है आंसर लगाने शुरू कर दो फटाफट से ममता गुड मॉर्निंग निशु रवि सभी आ चुके हैं आरती चौधरी बच्चे सभी को गुड मॉर्निंग सो right, so, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और हाँ जितने भी जुड़ गए हैं अपने भाइयों और बहनों तक क्लास को भी पहुंचा देंगे जिनको लग रहा होगा कि मामाज क्लास नहीं होगी कल दो अक्टूबर था आप सभी को गांधी जयंती की वजह से क्लास देखने को नहीं मिली लेकिन फिलहाल आज आपकी क्लास सामने है तो जल्दी से आंसर लगा दो एक बार हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रिंसिपल पूछी है इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन है कंट्रोल्ड है अनकंट्रोल्ड है फ्यूजन है क्या हो जाएगा सो so, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मैम मैम बी बी और और डी डी अच्छा ये वाले नहीं समझ में आते कि देखो फ्यूजन तो पता है मुझे अच्छा इसलिए तुम्हारा आंसर बी और डी हो रहा है अनकंट्रोल्ड बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है एक्चुअली बी और डी ऑप्शन आपके सेम है बट स्टिल आपका आंसर वही है अगर हम बात करें अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन की बी लगाए हो डी लगाए हो बिल्कुल सही आंसर है आपका ठीक है फ्यूजन रिएक्शन होती है एक फिजन होती है फिजन में ब्रेक डाउन देखा जाता है फ्यूजन में कोई भी चीजें मिल रही होंगी और वो अगर अनकंट्रोल लेवल पे हो रही है वही सेम प्रिंसिपल हम हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर देखते हैं आप देख सकते हो ये सभी साथी हैं जिन्होंने आंसर यहाँ पर अपना बहुत बढ़िया लगाया ये सभी वो साथी हैं मनु मनीष यहाँ पर संदीप कृष गजेंद्र अभिनय सर का चीता है ममता गुप्ता है समीर आर्यन है ठीक है ये स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ आरती नीतीश राजू मतलब सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर लगाया ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम हैं तो भाई बहुत बढ़िया लगा सही उत्तर देने के लिए बहुत बहुत बढ़िया और आज का सुपर थर्टी शुरू होता है टाइमिंग खराब नहीं करेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बता दो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलिकन किस टाइप का मटेरियल है सेमीकंडक्टर है कंडक्टर है इंसुलेटर है या मैम कोई भी ऑप्शन सही नहीं है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है जल्दी से जिनकी आज पहली लाइव क्लास है भाई बहुत बढ़िया डेली सुबह नौ बजे आपकी क्लास लाइव रहती है सेम टाइम पर रहती है तो जरूर से जुड़ा करें समय के साथ पूछा है सिलिकॉन किस प्रकार का आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है पूरी अगर हम बात करें अपनी पीरियोडिक टेबल में भी तो कुछ मेटल्स थे कुछ मेटेल थे कुछ नॉन मेटल्स थे ये यहाँ पर कैसी विशेषताएं दिखा रहा होगा आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित चीजें आ रही हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है इसको क्यों क्योंकि ये कुछ हद तक देखो सेमीकंडक्टर जब हम किसी चीज को कहते हैं ना सेमीकंडक्टर वर्ड का ही मतलब क्या है कुछ जगह पर वो कंडक्टर की तरह काम कर रहा है और कई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता तब वो एक इंसुलेटर का कार्य यहाँ पर करता है सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए कि मैम ये ना तो पूरी तरह से कंडक्टर है ना पूरी तरह से इंसुलेटर है इट वर्कस बोथ एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर सो इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर क्लियर है सिलिकन होगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उसके लिए ना अगर तुम सच में चाहते हो इन सभी हरकतों को हटा करके पढ़ाई पर ध्यान दे लो अपना भी टाइम खराब कर रहे हो बाकी सबका भी टाइम खराब करते हो ध्यान अगर तुम पढ़ने पर दे लोगे सरकारी नौकरी लग जाएगी तो अच्छे तरीके से माँ बाप भी खुश हो जाएंगे घर वाले भी जो चाहते हैं उनकी मेहनत भी सफल हो जाएगी क्यों खाम खा अपना भी टाइम जाया कर रहे हो उनकी भी मेहनत उनका भी पैसा खराब कर रहे हो किसकी सबसे कम फ्री आई मीन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी अच्छा ये रेडियो वाले जितने तो रेडियो बजा रहे बेटा समझो फ्रीक्वेंसी कह रहा है वेवलेंथ नहीं पूछा है उसने रेडियो है इंफ्रारेड है माइक्रोवेव है या गामा किरणें हो जाएंगी मैम हमारी ये गामा किरणें होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है जितने रेडियो वाले हैं इनकी बेटा वेवलेंथ ज्यादा होगी हाइएस्ट वेवलेंथ होती है इनकी इसकी ट्रिक तुम्हें याद भी करवाई थी कि सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों में अगर हम बात करें

माइक्रोवेव इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे गामा रे कॉस्मिक रे जैसे जैसे आप रेडियो की तरफ जाओगे आपकी यानी कि की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और नीचे आओगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिखाई देती है तो मैडम कैसे बह गए हम अच्छा ऑप्शन डी तुम्हें दिखाई नहीं दिया बहुत बढ़िया रेडियो दिखाई दिया हा ए आंसर इसका यहां पर गलत हो जाएगा गामा रेस की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसने पूछी है? हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपसे इज वाइडली पदार्थ देखने को मिल रहा है? Radium, sodium, या फिर सेशन को पहुंचा देना अपने तक और लगाते रह टॉप थर्टी में से जितने क्वेश्चन गलत हों उनको लिखते जरूर चलना कि मैम ये गलतियां मैंने की हैं अब इन्हीं गलतियों पे काम करूंगा इन चैप्टर्स को भी रिवाइज करूंगा बहुत बच्चे कहते हैं मैम रिविजन ही नहीं हो पाता पढ़ ही नहीं पाते समय नहीं मिलता बेटा समय निकालना पड़ेगा विवेक सिंह जी चलो ये सब फायर ही चल रहे हैं आपके सो so, कह रहा है कि मैम कौन हो जाएगा यहाँ पर देखो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अभी हमने एक की बात की थी सिलिकन के साथ साथ ये जो जर्मेनियम होता है ये भी मदद किसमें करता है एज अ सेमीकंडक्टर ठीक है ये भी मदद करेगा तो अगर पूछे चिप्स बनते हैं? वो खाने वाले चिप्स नहीं। ये याद रखेंगे इन दोनों में यहाँ पर देखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कह रहा है करंट फ्लोज इन अ टेलीफोन लाइन आपके टेलीफोन की लाइन में जो करंट फ्लो करता है वो इंफ्रा है रेडियो है अल्ट्रा है या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव्स उसके अंदर ए एम वेरी गुड क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर अच्छा जितने भी दे रहे हैं बहुत बढ़िया है. देखो जो करंट आपकी इसमें फ्लो करता है टेलीफोन लाइन में क्या कहलाया जाएगा रेडियो वेव्स यहाँ पर वो कहलाया जाएगा रेडियो तरंगे वहां पर आपकी जाती हुई नजर आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगला कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन हैव और सेम होगी वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी या फिर एनर्जी प्रत्युष बादल श्रेया गजेंद्र हितेश राजलक्ष्मी शिवम कमलेश शांति राम बहुत बढ़िया भाई जल्दी जल्दी से आंसर लगाने शुरू कर दो अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन के पास वेवलेंथ सेम है तो उनके पास और क्या चीज ऐसी होगी जो कि समान आपको नजर आएगी वे, मास तो अलग होगा ना मास अलग होगा और मास अलग होगा तो मैम उनके पास स्पीड सेम नहीं हो पाएगी यहाँ पर करेक्ट लीनियर मोमेंटम सेम कह सकते हैं उनका लीनियर मोमेंटम यहाँ पर क्यों क्योंकि उनके पास वेवलेंथ अगर सेम है तो मैं लीनियर मोमेंटम के साथ देख सकती हूँ लीनियर मोमेंटम इनका यहाँ पर क्या होगा सेम हो सकता है वेरी गुड ए नहीं होगा बेटा वेलोसिटी नहीं होगी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है वेयर इज अ ट्रांजिस्टर लाइकली लाइकली मोस्ट टू बी फाउंड सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स आपको किस उपकरण में मिलते हैं कहां पर सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स उपस्थित दिखाई देते हैं पूछा है रिस्ट वॉच में जो आप घड़ी पहनते हैं फ्यूज में हियरिंग एड में या फ्लोरिसम्प के अंदर ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा कहां लगे होते हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं मैम बिहार पुलिस में साइंस भर भर के आए बिहार में साइंस ना है, है? बिहार के पेपर में सब में साइंस बेटा बहुत बढ़िया तरीके से आती है अच्छा कल सीपीओ का आप में से काफी स्टूडेंट्स का एग्जाम भी होगा कल किस-किस का एग्जाम है मुझे एक बार जल्दी से बता दो कल यानी कि 4 अक्टूबर को सीपीओ का एग्जाम किस-किस का है बिना नर्वस हुए अच्छे से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने जाना है घबराना नहीं है बिल्कुल भी समय से अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स uh, हैं उनको लेकर के पहुंचिएगा और एग्जाम सेंटर से पहले टाइम पर पहुंच जाना ताकि लेट ना हो सबसे इम्पोर्टेंट बात है लेट रहो तो कल जिनका भी पेपर है समय से पहुंचने का प्रयास करिए जहां भी आपका सेंटर हो आंसर आ रहा है इसी के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो सुनने के लिए मशीन कानों में लगाई जाती है उसके अंदर अगला सवाल है एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट वॉट एक्सरे विजिबल लाइट इंफ्रा या अल्ट्रा -वालेट? हर एक प्रत्येक जो भी आपकी गर्म वस्तु है जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज एमिट कर रही है चलो ये जितने भी आप लोगों के सेशंस हुए हैं टॉप थर्टी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं डेली सुपर थर्टी वाली सीरीज के अंदर इनको आपका अगर एग्जाम है तो बहुत अच्छे से आपने किया होगा बहुत अच्छी बात है बेटा ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे ये किसी मैराथन से कम नहीं है जो हमने पूरे बारह दिन रेपिड फायर सीरीज को चलाया तो इसको अच्छे से कर लेना हाँ रिविजन के लिए बहुत अच्छे से कर लेना अभी आ रहा है एवरी हॉट ऑब्जेक्ट जो भी गर्म वस्तु आपके सामने होती है वो लगभग क्या चीज़ है जो कि एमिट करती हुई आपको नजर आएगी आंसर लगा रहे हैं डी ऑप्शन की मैम ये इन्फ्रा रेड किरणें या अल्ट्रा वोलेट किरणें रिलीज करेगी नहीं भाई प्लैंक लॉ आता है आपका जितनी भी कोल्डर ऑब्जेक्ट होती है ना वो आपके इन्फ्रारेड किरणों के साथ लो वेव्स आपको रिलीज करती हुई नज़र आती हैं हॉट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो गर्म वस्तु की कह रहा है ठंडी वस्तु जो होगी वो यहाँ पर नहीं करेगी लेकिन गर्म वस्तु लगभग इंफ्रा रेड किरण निकालती हुई रिलीज करती हुई यहाँ पर आपकी नजर आती है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इनकी ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि नीचे नीचे बढ़ते जा रहे हैं रेडियो वेव्स में ज्यादा थी अः वेवलेंथ और आप इंफ्रा की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती चली जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इनमें से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है एक्सरे आर रे कैथोड रे या इंफ्रा रे इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर देखी नहीं जा रही है ये गामा रे भी कर सकते हो इसको ठीक है इसे गामा कर लेना अब बताओ आंसर कैथोड रे इंफ्रारेड एक्सरे या गामा रे चलो एग्जाम कल है ठीक है तो अच्छे से पहुंचना ऑल द वेरी बेस्ट हाँ जी क्या आंसर हो है अरे तो नहीं, स्पीड कम कैसे चल रही है तुम तो लोग की आंसर जल्दी जल्दी से मतलब रैपिड फायर है मैम कैथोड रे कैथोड रे क्या करता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आती मैम बाकी सभी आएंगी रेडियो एक्स रे गामा रे इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट विजिबल सब आएगी लेकिन कैथोड रे अलग दिखाई देगी ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा है कॉपर वायर्स आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ आयरन वायर क्यों हम कॉपर के तारों का इस्तेमाल करते हैं लोहे के तारों का इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन के लिए नहीं करते ऐसा क्यों क्योंकि कॉपर सस्ता है आई uh, मीन I mean, जो तांबा है वो लोहे से आपको सस्ता दिखाई दे रहा है तांबा लोहे की तुलना में हल्का होता है तांबा लोहे की तुलना में बिजली का बेहतर एक सुचालक कहा जाता है या ये अधिक शक्ति यहाँ पर ले सकता है क्या रीजन है जो हम कॉपर के वायर्स का इस्तेमाल करते हैं अच्छा झमाझमा आंसर आ रहा है भाई चलो आज से सुंदर आंसर नहीं आएंगे आज से झमाझम आंसर आएंगे क्लास में सी आंसर लगा रहे मैम क्योंकि ये क्या है ये बहुत अच्छा कंडक्टर कहा जाता है कॉपर के वायर्स हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं सस्ते तो है ही है बट स्टिल अगर हम सिल्वर के कंपैरिजन में देखें तो सस्ता है लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छा कंडक्टर भी कहा जाता है तो तांबे इसके लोहे के कंपेरिजन में हम कॉपर को इस्तेमाल करते हैं कंडक्टिविटी का रीजन देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन फॉलोइंगजाम्पल ऑफ अ जेल चीज पनीर चीज है मिल्क है फेस क्रीम है या शेविंग क्रीम है इनमें से जेल का एग्जाम्पल कौन सा है जेल इमल्शन

मिल जाती है अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफली प्रेजेंट इन द एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः किसकी उपस्थिति दिखाई देती है मीथेन इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन किसकी उपस्थिति एलपीजी के अंदर नजर आती है एलपीजी मतलब मैम इससे सरल क्या क्वेश्चन होगा बताओ ये हमारे सुपर 30 के बोनस क्वेश्चंस में से आता है इससे सरल और क्या होगा हमारे लिए अगर हम इनको भी गलत कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन ठीक है एलपीजी की बात कर रहा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम होती प्रोपेन भी है लेकिन मेनली पूछा है चीफली कौन प्रेजेंट होती है मेजर आपको किसका रोल देखने को मिलता है दैट इज योर ब्यूटेन आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेचुरल सोर्स पूछा है किसके बारे में हाइड्रोकार्बन के बारे में क्रूड ऑयल बायोमास कोल या कार्बोहाइड्रेट क्रूड ऑयल बायोमास क्या होगा भाई जल्दी से बताओ हाँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसे कहा जाता है फिलहाल हाइड्रोकार्बन का एक बहुत अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा ये देखो लाइटर में पता है इनको बेटा क्रूड ऑयल का अच्छा तेल जो है वो हाइड्रोकार्बन का एक बहुत अच्छा सोर्स यहाँ पर कहा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल इनमें से लिग्नाइट बिट्यूमिनस डोलोमाइट पीट कौन सी ऐसी है जो कि कोयले की कोल की वेरायटी नहीं दिखाई दे रही है किसी अन्य वेरायटी के अंदर हम इसे देख सकते हैं कौन सी इनमें से कोल वेरायटी नहीं दिखाई देती है आंसर लगा दें एक बार जल्दी जल्दी से चलो बहुत बढ़िया भाई सी आंसर डोलोमाइट डोलोमाइट डोलो किसकी होती है ये मैग्नीशियम के थ्रू हमें दिखाई देती है बाकी तीनों हमारी किसकी है बाकी तीनों कोल वैरायटी हाँ पर नजर आती है वेरी गुड भाई सी आंसर एकदम सही हो रहा है अगला है व्हाट कंटेंट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कास्ट आयरन स्टेनलेस स्टील रॉट आयरन या हाई स्पीड स्टील किसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन की कंटेंट आपको दिखाई देती है फटाफट से आंसर लगाओ मैक्सिमम मैक्सिमम पूछा भैया सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा कंटेंट तक. कार्बन जो होता है, वो किस में दिखाई देता है कास्ट आयरन के अंदर किस में स्टील में कहा दिख रहा है सबसे ज्यादा तुम्हें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके कास्ट आयरन में होती है लगभग हमें दो से ढाई साढ़े तीन, तीन परसेंट तक आपको नहीं मिलेगी अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड सिलिकॉन ऑक्साइड कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम ऑक्साइड केमिस्ट्री के हैं जल्दी जल्दी से लगा दो ये आंसर ऐसे है जिसमें मैडम सोचना नहीं है आता है तो ठीक है पता है इसका आंसर ए का बी होगा फर्स्ट का सेकंड होगा आंसर देखना है और आगे लगाना है यहाँ तुम्हें समय व्यतीत नहीं करना है बैठ करके और नहीं आता तो फिर मैम कुछ नहीं कर सकते इसीलिए इनको याद करने के लिए भैया आपको रिवीजन बहुत जरूरी है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है कह रहा है कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम यहां पर दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सही सिलिकॉन कार्बाइड जो है बेसिकली ये भी आपका क्या है एक प्रकार का सेमी नजर आता है एस आई

जाओ अगले सवाल पे। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो व्हाट? बेंजीन क्या नहीं हो सकती? एडिशन, एलिमिनेशन या ऑक्सीडेशन बेंजीन के अंदर आप क्या नहीं देख सकते हैं बेंजीन के अंदर क्या नहीं देख सकते हैं जल्दी जल्दी से आंसर लगाएंगे तानिया पिछले वाले क्वेश्चन का था बच्चे फिफ्टीन क्वेश्चन का आंसर कार्बोरेंडम की जो हम बात कर रहे थे वो सिलिकन आपको दिखाई देती है सिलिकन की कार्बाइड दिखाई देती है ठीक है अब बेंजीन में क्या नहीं हो सकता कौन सी रिएक्शन बेंजीन के साथ पॉसिबल नहीं है करेक्ट देखो बेंजीन में ना आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो कोई भी चीज एक जगह से हटा के दूसरी लगा सकते हो एडिशन भी करा सकते हो कुछ नया ऐड कर दिया ऑक्सीडेशन भी करा सकते बट नहीं करा सकते सकते, हो, एलिमिनेट नहीं ठीक है? एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि किसी भी चीज़ को बाहर निकालना मतलब उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट डालना वो चीज नहीं हो सकती तो बेंजीन अपने आप में ही काफी स्टेबल होती है और बेंजीन के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हम नहीं देख सकते इसमें रेजोनेंस के साथ दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं एक में डबल बॉन्ड और दूसरे में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है वो अलग अलग दिखाई देती है ऐसे हम रेजोनेंस कहते हैं जो आपसे है। तो है। आप पूछे ये कौन सा स्ट्रक्चर है तो बेटा ये बेंजीन नहीं है क्यों क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पर केवल एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं साइक्लो

विकास राजलक्ष्मी रोहित बहुत बढ़िया अब आंसर लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का नहीं है हाँ वो वाला नहीं था जो जुड़ चुके हैं अपने सेशन को भाइयों बहनों तक जरूर से पहुंचा देना चीजें क्लियर हो रही हैं पूछ रहा है ब्राउन कोल किसे कहते हैं अच्छा मैं अगर बोलूं ब्राउन कोल लिगनाइट को कहा जाता है लिगनाइट को तुम आंसर ए लगा रहे हो कुछ आ, विकी बहुत बढ़िया

ऋषि अर्नब प्रदीप ट्रू क्रिकेट लवर अभिषेक ममता छाया बहुत बढ़िया भाई लगाओ फटाफट से आंसर डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है आपके ओजोन की परत को बहुत बढ़िया मैम जब बात आती है ओजोन की तो हमें पता है कि हमारे पास ये जो हमारी हेलोजन गैसेस होती हैं क्लोरीन की बात करूं ब्रोमीन की बात करूं ये सब क्या काम करती है एक छोटा से कण भी इसका क्या करेगा अफेक्ट करता हुआ नजर आता है क्योंकि जब इनका आपस में रिएक्शन आपको देखने को मिलता है तो जो स्ट्रेटोस्फेर में हमारी ओजोन है उसको नष्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं साथ ही साथ जो कार्बन की मात्रा बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है इनका जो मेन रीजन होता है ना वो हमें दिखाई देता है जो एच हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब लेकिन पहले क्या करते थे क्लोरो फ्लोरोबन ये क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल सिंगल जाता है वो स्ट्रेटोसफियर के अंदर जाकर के उस ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आता है स्ट्रेटोसफियर में जो हमारी ओजोन है उसको जाकर के क्या करेगा ये नष्ट करता हुआ नजर आता है ये देखो बहके मैम कितनी जल्दी बहके ग्लोबल वार्मिंग पूछता ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछता कार्बन आंसर लगा देते खूबसूरती से लगा देते एक क्लोरीन का आइटम है जो कि इसको क्या करेगा डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आएगा ब्रास एक ऐसा अलॉय है जो किससे मिलकर के बना हुआ है कॉपर एंड मर्करी, कॉपर एंड जिंक कॉपर एंड निकल या कॉपर एंड सिल्वर

स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? है तो एक प्रकार का अलॉय ही यहाँ पर ये यह। मिश्र धातु नजर आती है बहुत अच्छे डी आंसर आ रहा है लगभग सारे ही एलिमेंट्स यहां पर उपस्थित होते हैं हम देख सकते हैं कार्बन भी है क्रोमियम भी है मैग्नीज भी है निकल भी है तो लगभग जब हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो ये जो स्टील है वो आपके इन सभी अलग-अलग तत्वों से मिलकर के बनी हुई है इसमें मैग्नीशियम भी दिखाई देगा सिलिकॉन भी है एल्युमिनियम भी है आयरन भी है ठीक है इन चारों के अलावा भी और दिखाई देते हैं इसीलिए इसको हम एक मिक्स मिक्स या या इसको अलॉय का का नाम यहां पर देते हैं, ठीक है एलिमेंट्स सेट होगा मिश्र धातु फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बहुत ध्यान से पढ़िएगा ऑल द आर ऑक्साइड्स जितनी भी धात्विक ऑक्साइड है क्या वो सारी छारिय हैं सारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में या तो धात्विक होगी या अधात्विक होगी अगला कह रहा है सारे एसिड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं सब एसिड्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या तो इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही हैं सरकारी बाबू वाले आंसर के साथ तुम चले तो जाते हो लेकिन सोच समझ के जाया करो बताओ बताओ फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड केवल सेकेंड होगा या ओनली आई मीन ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट सही पूछा है सही मैम कौन सा कथन मुझे सही दिख रहा है बहुत बढ़िया। लगा रहे हैं, हैं, हैं यानी कि कि होगा तुम्हारे सही right? सही पूछा है। है है। अब मैम देखो, मुझे पहला ही statement सही नजर आ रहा सब जितने भी धातु होते हैं, वो छारी बनाते हैं। बात एकदम ठीक है। लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं कैसी एसिडिक सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रहा है गलत दिख रहा है क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं और धातु जो होते हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाने का काम करते हैं साथ में थर्ड स्टेटमेंट भी सही कह रहा है भाई सारे एसिड हैं केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग हमें सबकी समान नजर आएगी सबकी समान नजर आती है तो यहां मैं अगर ये कहना चाहूं कि मैम ये भी स्टेटमेंट सही है ये भी सही है इसका मतलब ओनली फर्स्ट एंड थर्ड मेरा सही है सेकेंड वाला तो धोखा कर गया भाई वो तो गलत निकला तो सेकेंड गलत है लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे ये अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करते हैं मतलब अगर हम मेटल के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी और नॉन मेटल्स आपको एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर शो करती हैं तो थोड़ा सा फोकस बना करके अगर सवालों को लगाओगे तो शायद सवाल गलत

और उससे पहले जोड़ों में दर्द हड्डियों में दर्द कमर में दर्द रीजन क्या है कैल्शियम कम हो रहा है शरीर से कोल्ड ड्रिंक मैम आजकल बच्चों को फ्रूट जूस नहीं चाहिए बच्चों को चाहिए सीधा एक बॉटल जल्दी से जाओ और कोल्ड ड्रिंक ये नहीं पता वो नुकसान कितना कर रही है एसिडिक होती है बहुत ज्यादा बी सही है चलो तो अब ये बता दो कौन सा एक है स्टार्च या डाइसे बोनस क्वेश्चन आ चुका है आज के सीरीज का बोनस ही है मतलब इससे सिंपल मैम क्या होगा सेल्यूलोज डाइसेराइड है हे hey भगवान तुमने सारा पढ़ा हुआ खराब कर दिया कैसे करोगे काम क्यों भाई ये जितने सेल्यूलोज वाले हैं भैया सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है पूरी टेबल बनवा बनवा के पढ़ाया मैडम ने लेकिन नहीं मैम हमें तो फिर भी सेलिलोज लगा के आना है ये आंसर गलत हो जाएगा स्टार्च की बात करें, ये भी पॉलीसेक्राइड है हम लेक्टोज को अगर देखते हैं तो लेक्टोज क्या है ये एक डाइसेकर मतलब जो दो अलग अलग अब सेक्राइड वर्ड देखकर ये थोड़ी भेक जाओगे कि सीधे कार्बोहाइड्रेट पर चले जाते है। अरे हैं अरे मैडम ने पूछा सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक एक अकेली शुगर का होता है एक दो अलग अलग शुगर से मिलकर बना होता है और एक ऐसा होता है जो लंबी लंबी शुगर की चेन से मिलकर के बना हुआ होता है मतलब बहुत सारी यूनिट्स होती हैं तो स्टार्च और तो बहुलक कहे जाएंगे पॉलीसेकेराइड है लेकटोज जो होता है ये एक डाइसेकराइड है जो कि एक ग्लूकोज से और दूसरे गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है ठीक है फ्रक्टोज क्या है मैम इसको मोनोसेकर कहते हैं ये अकेला शुगर आपको दिखाई देगा मतलब ये सिंपल शुगर में आती है ग्लूकोज फ्रक्टोज और आपकी गलेक्टोज ये मिलकर के आपस में क्या बनाती हैं आपके लेक्टोस को बनाती है सुक्रोज को बनाती है माल्टोज को बनाती है में तीन नाम याद रख लेना एक तो लेकटोज हमने पढ़ लिया दूसरा आप याद रखेंगे सुक्रोज का और तीसरा याद रखेंगे माल्टोज का माल्टोज जो दो अलग अलग शुगर से ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है जी हाँ, फ्रक्टोज मोनो है नेक्स्ट ने उसने पढ़ाई बहुत करी थी मतलब उसकी तुम्हें मतलब बता देती हूँ उसने पढ़ाई बहुत करी थी उसने दसियों किताबें पढ़ ली थी पूरे पूरे सिलेबस की सारी जितना मैक्सिमम वो पढ़ सकता था लेकिन उसकी एक गलती छोटी सी क्या थी कि मैम रिवाइज नहीं कर पाया था वो पढ़ता गया पढ़ता गया माइंड पे ऐसे सारी चीजों को ग्रैब करने की सोची तो थी उसने की हो जाएगी लेकिन हुई नहीं थी तो पढ़ तो तुम कितना भी लोगे के बिना लोग हम सफर है जो तुम पढ़ मतलब पढ़ाई तो तो आपने आपने की है ना आप आपने निभा तो लिया है साथ एक तरीके से लेकिन जिंदगी भर चलाना है तो भैया रिविजन करना पड़ेगा तो उस हम सफर के बिना मत चलना बस अब जैसे डी आंसर लगा रहे बिल्कुल सही हो जाएगा विटामिन बी के अंदर पाया जाता है कोबाल्ट यानी कि साइनो आपको बाल अमीन इसी के अंदर आपको ये ऐसा विटामिन है पानी में घुलनशील जिसमें आपको ये कोबाल्ट की उपस्थिति दिखाई देती है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन में आयरन और विटामिन सी खट्टे फलों वाला स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खमीर ईस्ट क्या है बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक है वायरस है या कवक है या फिर कवक है क्या आंसर होगा छाया सुनील ममता कार्तिक विकास पायल विशाल डच दीपक बताओ भाई जल्दी शशि सो ईस्ट क्या होता है मैम वो भटूरे बढ़िया से बनने चाहिए ब्रेड सॉफ्ट और स्पंजी बननी चाहिए डोसा का बैटर अच्छा होना चाहिए क्या आता क्या है वहां पर वहां पर आता है आपका खमीर और खमीर क्या है मैम यकीन नहीं होता कि एक फंगस है हाँ? यकीन नहीं होता मैम ये एक प्रकार की कवक है जो कि यूनिसेल्युलर कही जाती है एकल कोशिकीय कवक आप इसको कह सकते हो एकल कोशिकी केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बनी होती है इसको हम एकल कोशिकीय कवक के नाम से यहाँ पर जानते हैं बाकी फफूंद लग गई मशरूम्स हैं ये भी कवक हैं बट ये मल्टी सेलुलर कहे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 विच पार्ट बिकम मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट हाथी की सूंड या बेसिकली हम कहें वो जो लंबे लंबे दांत होते हैं वो किस दांत के मॉडिफिकेशन से बनते हैं केनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स या सेकंड इनसिजर जो हाथी के आगे वाले दांत इतने लंबे लंबे से तुम्हें नुकीले से दिखाई देते हैं और देखो यहाँ पे भी ना बहुत बच्चे आंसर गलत करते हैं तो तुम सोच के करना कॉपी मत करना बस किसी की ऑल राइट अकेडमी ममता छाया विकास बहुत बढ़िया भाई ये ये कैसा तुमने नाम बनाया ऑल मैम ब्लॉग्स हैं चलो ये वाले कैनाइन के दांत नहीं होते

इन में से जो दूसरे नंबर वाला था ना इन दोनों को छोड़ करके एक, एक मोडिफाई तो तो के दाँत जो है वो केना नुकीले से है शार्प है बट वो तो इंसान में भी नहीं है यहाँ हाथी के अंदर जो है वो सेकंड इंसीजर कहे जाते हैं दूसरे नंबर का जो आपका क्रंतक वाला दांत होता है इंसीजर का जो दांत कहा जाता है वो देखा जाएगा करेक्ट है सो so आंसर जिसका गलत हो गया है, लिख लेना इसको और दांतों के पूरे जीवन में दो बार निकलते हैं जो पीछे की हमारी दाढ़ होती है ये प्री मोलर्स जिन्हें हम कहते हैं मोलर्स जिन्हें हम कहते हैं ये सिर्फ एक बार ही निकलती है बच्चे के अंदर नहीं निकलती ठीक है भाई चलो अगला बताओ इनमें से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है अच्छा आप में से कितने साथी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मुझे एक बार बता दो क्लास तो मैं लगवा दूंगी मुझे बताओ तैयारी कितने हैं जो कर रहे हैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बेटा एग्जाम अगले ही महीने है तुम्हारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑलराइट सो पूछा है इनमें से कौन सा सेल इंसुलिन का स्राव करता है मैम

रक्त की शर्करा को नियंत्रित रखने का काम इसी का देखा जाता है ब्लड शुगर को कम करने का इसको हम राजा भी कहते हैं आपके जो हॉर्मोन्स बनते हैं ना उसका राजा भी इसी को कहा जाता है सो तो बीटा सेल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा ये बनती है अग्नाशय जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों की तरह काम करेगी अच्छा एल्फा सेल से क्या बनेगा ये और याद रखेंगे यहाँ पर एल्फा सेल ग्लूकागन का स्त्राव करते हैं ग्लूकागन जो कि शुगर को बढ़ाने में मदद करता है शुगर को बढ़ाने में क्लियर फूड चेन बताओ इनमें से क्या हो जाएगा स्वपोषी जीवों के संबंध के बारे में फूड चेन कहते हैं आ, दो जीवों के आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान कहोगे एक जीव से दूसरे जीव में भोजन का जो मार्ग बनता है उसको फूड चेन कहा जाता है क्या भोजन के आउटलेट उपलब्ध कराने वाली कोई आधुनिक प्रतिष्ठान है भैया चेन बन रही है फूड चेन बन रही है जल्दी जल्दी बताओ अच्छा चंदन फिलहाल आप इसी सीरीज को ज्वाइन करिए डेली बेसिस पे आप लोग ये चल ही रही है ठीक है मोहित पंवार कह रहे हैं है। मैम मैं सिलेक्टेड हूँ चलो बहुत बढ़िया बात है रिवीजन करते रहो तुम भी

एक तरीके से पूरी साइकिल की किसको कौन यहाँ कंज्यूम कर रहा है कौन अपनी एनर्जी किससे ले रहा है सो so ये कहलाती है आपकी फूड चेन और ऐसी फूड 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 चेन बहुत सारी अगर पूरे उसमें में मिल जाती हैं हैं तो इसको हम कहते कंप्लीट कॉम्प्लेक्स वेब वेब ये के नाम से यहाँ पर जानी जाती है ठीक है अगला सवाल लगाओ सुनील गोस्वामी जी बिल्कुल जैसे भी आपका होता है शेड्यूल आपको दिखाई दे जाएगा अगला सवाल है अमीबा किस संघ से संबंधित है जल्दी से अमीबा किस संघ से संबंधित है लॉ आपके ने दिया था जो टेन ऊर्जा का सिद्धांत है एनर्जी लॉ जो है ये लिंडमैन ने दिया था अमीबा के बारे में बात कर रहा है नहीं नहीं अमृत मैं नहीं करवाती हूँ मैं आपको साइंस की ही क्लासेस जो है वो करवा रही हूँ बच्चे

कहानी क्लियर आज गलत गलत नहीं करा मैडम आंसर क्या बात है चलो अगला बताओ स्पंज किस संग में आता है स्पंज जो है वो किस संग का उदाहरण दिखाई देता है फटाफट से बताएंगे स्पंज कहाँ पर आए स्पंज मतलब मैम वो में, नॉर्मली में मतलब छिद्र दिखाई देंगे और इवन ऊपर की तरफ भी एक आउटलेट होगा जहां से पानी यहाँ एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये कहलाते हैं पूरी फेरा के अंदर पूरी फेरा नाम में ही आ रहा है कि पोर होंगे इसमें पोर मतलब छोटे छोटे से छिद्र उपस्थित होंगे प्रोटोजोआ नहीं होगा अभी बात की थी एनेलिडा नहीं होगा एनेलिडा में अर्थफॉर्म जोंक नरीस ये सभी एग्जांपल्स आते हैं निडेरिया यानी कि सीलेंट्रेटा की जो हम बात करते हैं यहाँ पर जेली फिश बन जाता है एक उदाहरण देखिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम्पल्स के सो so, पढ़ लेना स्पेशली एनसीआरटी वाले

केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करते हैं और तीनों के ही सवाल इस पूरी सीरीज में हमने किए हैं लगभग आपके तीस क्वेश्चन में से दस फिजिक्स दस केमिस्ट्री और दस बायोलॉजी के रखे जाते हैं ये पूरे बारह दिनों से आपकी सीरीज चल रही है और टॉप इसके सुपर थर्टी के कंप्लीट बारह क्लासेस आपकी हो चुकी हैं तो जो नहीं जुड़ पाए थे पहले से वो लोग जुड़ जाएं और एक बार उसको पूरी प्लेलिस्ट में भी आप चाहें तो देख सकते हैं सी आंसर लगा रहे हैं मैम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके अलावा कोई और भी गैस होती है क्या जो काम करती है एसिड रेन में मतलब एनओ टू तो काम कर ही कर रही है कोई और भी ऐसी गैस है जो अम्लीय वर्षा कराने में मदद करती है एक बार वो और बता देना एनओ टू प्लस क्योंकि दो मेन रिस्पॉन्सिबल गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड होगा नहीं ऑक्सीजन होगा नहीं जहां जरूरत होती है भदौरिया जी वहां पर आपको सारे ऑप्शंस भी बताए जाते हैं इज दिस क्लियर SO2, right? एस ओ टू यहाँ पर हो जाएगा तो ये दोनों ही हमारी क्या कराती है अम्लीय वर्षा ताजमहल आप देख ही पा रहे हो कि मार्बल कैंसर जो उसके अंदर देखने को मिला वो इसी वजह से क्योंकि मथुरा रिफाइनरी पास में और वो क्या करा रही है उसकी वजह से आपका एसिड रेन बहुत ज्यादा हुई नजर आ रही है मार्बल कैंसर उसका होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये थे आज के टॉप थर्टी क्वेश्चन एक बार जल्दी से बताएंगे कितने सवाल आज के सही हो गए मतलब मैम टॉप थर्टी में से हमने कितना बढ़िया स्कोर किया है एक बार फटाफट से मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता दो और फिर मैं एक सवाल तुम्हें होमवर्क में देने वाली हूँ और थोड़ी सी तुमसे बातचीत

अगर करना चाहते हो आपको लगता है कि अभी टाइम है मैं कर हूं, तो कर कर सकता तो करके उसको को कवर कर लो और जो कर चुके हैं उनका काम केवल और केवल ये है आप सवाल लगाने आओ ना उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ मैडम ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है चैप्टर जब तक थ्योरी नहीं पढ़ी होगी सवाल लगाने में दिक्कत होगी लाजमी है होगी ही होगी ठीक है सो ये काम जरूर से कर लेना ये सेशन आपका यूं ही सुबह बजे रहेगा बाकी मुलाकात आपसे कल करेंगे आज का स्कोर भी काफी अच्छा रहा किसी के चौबीस सही है किसी के छब्बीस बहुत बढ़िया उम्मीद यही रहेगी भैया बढ़िया तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाते चलो उन गलतियों को ध्यान दो रिवाइज करो और आगे बढ़ो जीवन में खूब तरक्की करो अगला एक सवाल होमवर्क में में कमेंट सेक्शन मुझे तो उसके अंदर जो पदार्थ आया है वो कैसा है क्या है उसमें जंग लगी है नमक आ गया मिट्टी आ गई धूल आ गई क्या आ गया दिस वन इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में सभी बता दें कि क्लास आपकी आई मीन आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टेट एग्जाम आपको का क्लास हाँ बेटा वहां पे नहीं चल रही है रजनीश आपका एग्जाम जो है वो हो चुका है तो वहाँ पे क्लासेस अभी आपकी नहीं चल रही है ऑल राइट चलो सो दिस वन इज जो होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों से कल सेम टाइम पर तब तक के लिए अपने स्कोर को यूं ही बढ़ाने के लिए रिविजन करते रहें हैव अ वेरी गुड डे एंड क्लास कैसी लगी है ऑफलाइन कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा थैंक यू सो मच